हेलो निटर्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको यान को जोड़ना बताऊँगी, उनका जॉइनिंग बताऊँगी। यान वैसे तो कई तरीके से जुड़े आ सकते हैं। हम नॉर्मली गांठ बांध देते हैं दो धागों को पकड़ के, पर जब मैं स्कार्फ बनाने लगी, मैं मफलर बना रही हूँ, उसमें जब एक बॉल यान का ख़त्म हो गया तो दूसरे बॉल को जोड़ने के लिए मुझे गांठ लगाना ठीक नहीं लगा, जो नॉर्मल हम गांठ लगाते हैं, क्योंकि मफलर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल डिज़ाइन है एक्चुअली उसमें, तो दोनों साइड से यूज़ किया जाएगा तो गांठ तो रॉन्ग साइड होनी चाहिए, लेकिन मफलर में राइट और रॉन्ग साइड होता नहीं है वैसे यूजुअली, तो दोनों साइड से यूज़ किया जाता है, तो गांठ ऐसी होनी चाहिए जो दिखाई ना दे, तो इसलिए मैंने फिर ये गांठ उसमें यूज़ की है। तो दो तरीके के मैं आपको यान जॉइनिंग का तरीका बताऊंगी। एक तो ये है तरीका, जिसमें इस तरीके से कुछ नज़र आता है जुड़ने के बाद धागा, और दूसरा तरीका ये है जिसमें एक छोटी सी गांठ नज़र आएगी, लेकिन ये विजिबल उतना नहीं होगी जैसी हम गांठ लगाते हैं नॉर्मली। तो मैं आपको ये दो तरीके सिखाऊँगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये यान जॉइनिंग का तरीका सिखाऊंगी, ये वाला। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। इस तरीके से हम एक यान का बॉल लेंगे और एक साइड के यान के बॉल को इस तरीके से नॉट जैसे हम लगाते हैं, इस तरीके की नॉट बना लेंगे ऐसे, और दूसरे यान बॉल के यान को लेंगे और इसमें से ऐसे निकालते हुए, क्रॉस करते हुए ऐसे, इसको भी हम गांठ बनाएंगे, लेकिन इसको लेते हुए, इस वाले यान को लेते हुए, देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। इसको ऐसे लपेट लिया पहले इस पर और फिर गांठ लगा देते हैं, जैसे नॉर्मली हम वैसे कर लिया। तो देखिए दोनों साइड गांठ बन गई है, इस यान की गांठ यहाँ है, इस यान की गांठ यहाँ है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको गांठ को टाइट कर लेंगे ऐसे, और इस वाली गांठ को भी टाइट कर लेंगे ऐसे, और इन दोनों धागों को, अब दोनों बॉल्स के यान को पुल कर लेंगे ऐसे, ये एकदम टाइट हो जाएगा। ये वॉश करने के बाद भी, जो दोनों मेथड है यान के, ये वॉश करने के बाद भी खुलने वाले नहीं है, बल्कि खुलने के बाद यान जो होता है और डेंस हो जाता है, तो वो खुलने का चांस तो मतलब ही नहीं है, मतलब खुलने के चांस का। ये देखिए कितना टाइट है। अब इन एक्स्ट्रा धागों को हम कट कर देंगे, एक्स्ट्रा धागों को एकदम किनारे से कट कर सकते हैं क्योंकि ये खुलने वाला नहीं है। ये इस तरीके से हमारी नॉट बन गई है। आप चाहे एक ही कलर के धागे को अटैच करें, मतलब एक ही सेम कलर का धागा, या फिर अलग अलग कलर का धागा भी जॉइंट करें, तो इस तरीके से करेंगे तो ये अच्छी खासी स्ट्रेंथ है इसमें, और दूसरा ये ओपन भी, धुलने के बाद भी ओपन नहीं होगी और देखने में भी ठीक लगती है। दूसरा तरीका ये है, इसमें भी चाहे आप सेम कलर जॉइंट कर रहे हों या फिर अलग अलग कलर जॉइंट कर रहे हो, दो कलर जॉइंट कर रहे हो, इसकी भी स्ट्रेंथ एकदम ठीक है। तो अब ये तरीका बताती हूँ मैं आपको। इसके लिए सबसे पहले धागा लेंगे ऐसे और उसको निडल में डाल लेंगे, इस तरीके से निडल में डाल के, और इसको यहाँ पीछे की तरफ ऐसे घुमाएंगे, निडल को पीछे की तरफ आएंगे, और चाहे आपका यान 2-ply हो चाहे 3-ply हो, आप ये सेम मेथड अपनाएं यान जॉइनिंग के लिए, नॉटिंग के लिए। इस तरीके से देखिए मैं पास पास में नहीं डाल रही हूँ निडल को, ये कई सारे ट्विस्ट को गैप करके डाल रही हूँ। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 गैप है, ट्विस्ट है लगभग, उसके बाद 3 ट्विस्ट के बाद मैंने डाला है निडल को, इस तरीके से
और इसको फिर ऐसे उतार लेंगे, निडल निकाल लेंगे। इस होल को पकड़े रहें अभी फ़िलहाल। इस होल में से अब हम अपना दूसरा धागा पास करेंगे। इस धागे को इसमें से ऐसे ले आएंगे, निडल में डालने के बाद भी ला सकते हैं, पहले भी ला सकते हैं। इस तरीके से डालने के बाद फिर से हम इसको निडल में डालने के बाद ऐसे जाएंगे इस तरफ, पीछे की तरफ। ये मेरा 3-ply यान था और देखिए ये ब्लू वाला जो है 2-ply यान है। ये डाला, आप चाहे तो एक एक गैप भी कर सकते हैं, मैं दो दो ट्विस्ट को छोड़ के कर रही हूँ। देखिए 1-2 दो ट्विस्ट छोड़ के तीसरे ट्विस्ट में सुई को डाल रही हूँ। मैंने लगभग 5 बार लिया है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको निकाल लेते हैं, इतना काफ़ी है 5 बार। अब इसको कम्प्लीटली पुल कर लेंगे। ऐसे पुल करने के बाद इसको इस तरीके से ऐसे साइड में किनारे करके और इस तरीके से ऐसे ही जॉइंट हो जाएगा और फिर इसको कट कर लेंगे, एक्सिस को कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा जो यान है जॉइंट हो गया है दोनों कलर का। ये एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसको और काट सकते हैं। और ये इस तरीके से आप अपनी आगे की निटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं यान जॉइनिंग के। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।